हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजेश मठपाल आपका स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। हमारी पूरी क्लास आज इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करेंगे। अभी तक हमने कूलम्स लॉ, पहले चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी, फिर हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन को देखना है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक डायपोल से बेस्ड जो जो चीजें हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देखिए, अ पेयर ऑफ इक्वल बट ऑपोजिट। इन दो शब्दों पे ध्यान देना है, इक्वल है बट ऑपोजिट है, इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। स्मॉल होनी चाहिए लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड रहे। फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने कहा कि एक ऐसा सिस्टम या ए पेयर ऑफ इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, दो चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें चार्जेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा लेकिन दोनों अपोजिट होंगे। मींस अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो अगर ऐसे चार्जेस का सिस्टम फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पे आपके पास एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक चार्ज ये रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस आपने कहा सपोज 2a है, तो आपके पास ये डायपोल बन गया। अब इसमें क्या है, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड q है लेकिन दोनों अपोजिट है, एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है। तो हमने कहा कि एक पेयर होगा दो चार्जेस का जिसमें इक्वल होने चाहिए लेकिन अपोजिट होने चाहिए और फाइनाइट डिस्टेंस उनके लिए 2a होगी इनके बीच की, इसे हम लोग डायपोल बोल देते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि HCl आपका एक एग्जाम्पल हो गया इसका, H प्लस एंड Cl माइनस करके हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका HCl एक एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉपिक पे एक छोटा सा टॉपिक और है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ लिया। डायपोल मींस, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, डायपोल मींस जहां पे दो पोल हो, और पोल जो वर्ड होता है वो हमेशा अपोजिट के लिए ही यूज करते हैं हम लोग, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल। अर्थ में अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो अपोजिट एंड से। तो जैसे हम लोग पोल जो है हमेशा अपोजिट एंड के लिए यूज होता है, और डाई मींस दो हो गए, तो दो हमारे हैं अपोजिट है और पोल हो गए, तो उसको हमने बोल दिया क्या, डाईपोल बोल दिया। अब यहां से हम लोग बच्चों आगे को देखते हैं, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसे हम लोग डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। तो आपका इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। इसे हम दिखाते हैं P से, तो मैंने बोला आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का आपने मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो बेटा वो कितनी है आपकी, 2a है, तो मैग्नीट्यूड आपका q हो गया, डिस्टेंस हो गई 2a, तो डाइपोल मोमेंट आपका हो गया p इक्वल टू q इनटू 2a हो गया। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने हैं, तो यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो दो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, पहली बात आपका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप यहीं पे और सोच सकते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस टू प्लस, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, ठीक है, फ्रॉम माइनस टू प्लस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस दिखाते हैं, आपका डाइपोल मोमेंट ठीक उसका अपोजिट होता है, दिस इज फ्रॉम माइनस एंड टू पॉजिटिव एंड। दो क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो P वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्यू इंटू टू ए वेक्टर, ये मेरा डाइपोल वेक्टर फॉर्म में हो गया। तीसरा एक चीज और है यहाँ पे देखिए, हालांकि वो तो क्वेश्चन क्या पता होना ही चाहिए मुझे, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट ऑफ पी, तो पी क्या आपका क्यू इंटू टू ए, क्यू चार्ज की कूलम होती है, डिस्टेंस की मीटर, तो कूलम मीटर होगी, ठीक है, तो कूलम इंटू मीटर होगी। तो इस तरीके से आपने देखा डाइपोल क्या होता, अ पेयर ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या चीज होती है, डाइपोल मोमेंट होता है कि आपने किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है और इनके बीच के डिस्टेंस की बात करनी है, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोल देते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, और इसकी जो यूनिट है वो है कूलम्ब मीटर। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका समझा दिया था HCl, बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद से भी थोड़े देख सकते हैं, बुक्स वगैरह को प्रेफर करिए, क्योंकि वीडियोस के साथ साथ आपके लिए जरूरी है कि आप बुक्स को प्रेफर करें, बुक्स भी पढ़िए, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये तो ठीक है आपको एक बेस दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके निखरने की संभावनाएं ज्यादा होती है। कभी भी आप इसको ध्यान रख के चलिएगा, तो आपको थोड़ा सा अपनी भी स्टडीज को ध्यान देना है। अगला टॉपिक है इसी पे बेस्ड हमारा, वो है डाइपोल फील्ड। हम बात करेंगे डाइपोल फील्ड की, बात करते हैं तो डाइपोल फील्ड क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल इज कॉल्ड, The electric field produced by dipole is called dipole field. अब electric field की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे हम we can calculate this in two ways. किस तरीके से कर सकते हैं, पहला होता है हमारा एक्सियल कंडीशन और सेकंड होता है हमारा इक्विटोरियल कंडीशन। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, एक बार मैं निकालूंगा एक्सियल कंडीशन के अंदर और एक बार मैं निकालूंगा इक्विटोरियल कंडीशन के अंदर। तो अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे, पहले हम एक्सियल कंडीशन देख लेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे इक्विटोरियल कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए आप, एक्सियल कंडीशन के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, ये जो चार्जेस हैं, देखो दो चार्जेस को एक एक्सिस के अलोंग रख देते हैं, जैसे आपने यहां पे एक रखा चार्ज ये और आपका ये दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ है आपने, और इसी के अलोंग यहां पे कोई पॉइंट पी है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है बच्चों, एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, कभी कभी हम क्लास में उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, बाद में पेपर में जाके जब हम पढ़ते हैं तो परेशान होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजों को उस समय ध्यान नहीं दिया होता है, बाद में अच्छा इधर प्लस ले लें इधर माइनस ले लें, हालांकि रिजल्ट तो आएंगे लेकिन आप परेशान हो जाएंगे। तो आप एक ही चीज को फॉलो करिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो हम लोग पहले बोल देंगे लेडीज फर्स्ट होती है, तो लेडीज फर्स्ट के लिए पहले क्या लो, सपोज नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू हो गया और यहाँ पे प्लस क्यू हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस, अभी मैंने बोला था इनके बीच की डिस्टेंस 2a होती है, प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस 2a है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट के लिए अगर हम इसका मिड पॉइंट बोलते हैं तो बच्चों ये डिस्टेंस a हो गई
और ये भी डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, ए हो गई, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, तो पॉजिटिव वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और नेगेटिव वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। डिफरेंस क्या है, नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो मैं इसको नेम दे देता हूं ए और इसको मैंने नेम दे दिया बी। तो बी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होता है ई बी, और ए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड होगा ई ए। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। वैसे भी आप देख लीजिए, ये वाला नजदीक रखा है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और ये वाला दूर रखा होगा तो इसका इफेक्ट कम होगा, तो रिजल्टेंट ई बी माइनस ई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डिस्टेंस की बात करते हैं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से निकालूंगा, तो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों कि हम डिस्टेंस को कहां से लें, या पी पॉइंट जो है उसको किस तरीके से लेके चले, आर क्या होती है। तो हम यहां पे लिखते हैं, लेट पी बी अ पॉइंट डिस्टेंट स्मॉल आर। अब हम बोलते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, फिर हम कंफ्यूजन ना आते एग्जाम में कि आर हमने डिस्टेंस कहां से ली थी। तो उसके लिए क्या होता है, देखो दो चीजें दिमाग में आ सकती है अगर आप क्लासरूम में ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो आप सोचोगे यार माइनस क्यू से क्या आर ली थी सर ने, क्या प्लस क्यू से लेके चली थी। तो बच्चों माइनस क्यू से लूंगा तो प्लस क्यू बुरा मान जाएगा, प्लस क्यू से लेना है तो माइनस क्यू ने गुस्सा हो जाना है, तो ना इसको नाराज करना है ना इसको, पेपर में एक भी गुस्सा हो गया पता चल रहा है सब गड़बड़ हो गई, तो किसी को गुस्सा नहीं करना है। हम क्या करते हैं, दोनों के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं। We say that this distance r is from the midpoint of these two charges. इन दोनों के midpoint से r distance. Let P be a point distant small r from center of dipole. तो मैंने कहा कि dipole के center से distance r है, ये 2a हो गई। अब क्या हो जाएगा, देखो a के लिए निकालोगे तो a की distance कितनी होगी, r plus a। ये जो पॉइंट P है ये बेटा R है डिस्टेंस, ये आपकी A है, तो कितनी होगी R प्लस A। जो P पॉइंट है वो A से R प्लस A डिस्टेंस पे, और B से उसकी डिस्टेंस कितनी है R माइनस A। अब ये देखिए टोटल ये R है, ये वैल्यू A है, तो ये कितनी आ जाएगी R माइनस A आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to charge at point A, A पे रखे हुए चार्ज की वजह से P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो क्या होगा, EA is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square होता है। R means distance होगी A से P की, तो अब यहाँ पे AP square कर देंगे। अब AP बेटा आपको कितना दिख रहा है, A से P की डिस्टेंस आपको पता है, ये A है और ये वाली डिस्टेंस R है, तो कितनी होगी R plus A। तो आपने लिख देना है यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus A square। अब इसकी डायरेक्शन पहले ही पढ़ा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टेड क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू A, इसकी डायरेक्शन है कहां से कहां को, P से A की तरफ को। फिर क्या होगा, इसी तरीके से बच्चों हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B, वो कितना हो जाएगा, देखो आपका EB is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon बेटा डिस्टेंस होगी BP, तो BP का स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon BP की डिस्टेंस कितनी है आपकी R minus A, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो यहां पे लिख देंगे अलोंग P, अगर यहाँ पे कोई मैं ऐसे आगे बढ़ा करके इसको x कर देता हूं, along क्या हो जाएगा px, px means p to x हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एट पॉइंट p द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a एंड b आर अपोजिट, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी eb माइनस ea। व्हाई, बिकॉज आप यहां ध्यान दो, ea जो वैल्यू है उसमें अपॉन r प्लस a है,
यहाँ पे अपॉन में आर माइनस ए है, तो इसके अपॉन में बड़ी वैल्यू है, यहाँ वैल्यू छोटी है, तो अपॉन में अगर छोटी वैल्यू होगी तो वो वैल्यू बड़ी होगी, और अगर अपॉन की वैल्यू बड़ी होगी तो वो इधर वैल्यू छोटी होगी, तो ये बड़ी वैल्यू है तो यहाँ छोटी आ जाएगी, और यहाँ छोटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। तो ई ए और ई बी की वैल्यू इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। At point P, EA and EB are oppositely directed. So, resultant electric field will be, क्या हो जाएगा, E is equal to EB minus EA। वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग जानते हैं कि अगर ये मेरे पास है, मैं इसको अभी इधर अपनी तरफ को 10 न्यूटन से खींचूं, आप बहुत सारे लोग देख रहे हो आप 15 न्यूटन से उधर की तरफ को खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट इस पे 5 न्यूटन लगेगा और वो आपकी तरफ को लगेगा। तो वैसे ही ध्यान देना है बच्चों, हमें दिख रहा है कि EB की वैल्यू बड़ी है, EA की वैल्यू कम है, तो मैं कह रहा हूं इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ रहा है वो ई बी माइनस ई ए होगा, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर कोई मुझसे पूछ दे तो मैं बोल दूंगा अलोंग पी टू एक्स। मैं 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, आप 15 न्यूटन से खींच रहे हो, तो रिजल्टेंट कितना लगेगा इस पे, 5 न्यूटन लगेगा आपकी तरफ को। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आप कह रहे हैं कि ई बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ई ए का कम है, तो ई बी माइनस ई ए आप बोलेंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट इज 5 न्यूटन पर कूलम, दिस विल बी अलोंग पी टू एक्स। तो आपने बोला ई बी माइनस ई ए एंड यहीं पे डायरेक्शन लिख दो अलोंग पी टू एक्स, अलोंग पी एक्स बोला है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस बोलते हैं डायलॉग, तो वैसे ही अब कुछ बड़े वाले होंगे बच्चे तो यहाँ पे सोच रहे होंगे लाठी भैंस क्या होता करके, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो कि इस पॉइंट पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इसका ज्यादा है, तो इसलिए जिधर को ये लग रहा है उधर ही को इसका डायरेक्शन लग जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब हमने क्या किया, देखो EB की वैल्यू लिखनी है 1/4π ε0 Q अपॉन, ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4π ε0 Q अपॉन r प्लस ए स्क्वायर। तो 1/4π ε0 हमने बाहर ले लिया, Q भी हमारा बाहर आ गया, 1/r - a² - 1/r + a² हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखो एलसीएम ले लेते हैं 1/4π ε0 क्यू, और यहाँ पे आर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये 1/4π ε0 ऐसे ही रहेगा, ये क्यू आपका ऐसे उतर जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और यहाँ पे ओपन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस के लिए माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ra अपॉन, ये नीचे देखिए बच्चों फॉर्मूला होता था a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम लोग लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो r माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे r प्लस ए स्क्वायर, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया r माइनस ए r प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपका r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से आपका a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यूज क्या क्या बच के आ जाएगी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, यहाँ पे वैल्यूज, ये तो आपका रफ है ये वाला पोर्शन, 1/4π ε0 तो हमने ले लिया है बाहर, और क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे Q, यहाँ पे कितना हो गया देखो 4ra² - a² होल स्क्वायर एज r इज ग्रेटर देन
स्मॉल ए, सो आर स्क्वायर तो भाई और भी बड़ा हो जाएगा फिर किससे, ए स्क्वायर से, सो इतना हो जाएगा नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग किसको, ए स्क्वायर एज कंपेयर्ड टू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं किसके कंपैरिजन में, आपके आर स्क्वायर के कंपैरिजन, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ये कंपैरेटिवली ज्यादा होगी इसके, क्योंकि बहुत एचसीएल है, अब एचसीएल के में डिस्टेंस क्या होगी, एंगस्ट्रम में रहेगी तो बहुत कम डिस्टेंस रहती है, तो उसके इसलिए हम उस डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको मैं अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है, तो बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर जो है तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली फिर आपका ये आर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आर की पावर फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा 1/4πε0 q/4RA/r⁴, तो ये आपकी कैंसिल हो गई, कितनी आ गया 1/4πε0 और यहाँ पे q/4A, अब मेरे कुछ वीर योद्धा सोच रहे होंगे भाई 4 से 4 काट देते मजा ही आ जाता है, देखो हाथ चलते रहते हैं ना कैंसिल करने के लिए कि सेट से काट दो, ऐसा नहीं करना है, इसको कैंसिल इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये डाइपोल का फॉर्मूला बन जाएगा, ये इसको अगर कैंसिल कर दो तो फिर 2 लेके आना पड़ेगा, 4πε0 q/2A/2 लिख दिया मैंने, ये जो मेरे पास 4A है, अब थोड़ा सा राइटिंग में तो मैं खुद को नहीं समझ पाता हूँ कभी भी मैंने क्या लिखा है, ये q थे, ये q चल रहा है और ये A है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2A/2 और ये आपका q हो गया अपॉन r cube, अभी तो पढ़ाया था ना यार, ये मैंने 4A को 2/2A लिख दिया तो q/2A को साथ में लिखा, अभी थोड़ी देर पहले बोला था इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कि q/2A डाइपोल मोमेंट होता है, किससे डिनोट करते हैं p से, तो इसकी जगह p आ जाएगा, तो क्या हो गया देखो ये 1/4πε0 p/2r³, बेहतरीन तरीके से लिख दो इसको तो 1/4πε0 2p/r³, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अलोंग कहां लगेगा, अलोंग px, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी p टू x हो जाएगी, आप ये लिख सकते हैं, अब इसको आपने अगर मान लो मन कर रहा है अभी वेक्टर फॉर्म में लिखने का तो फिर हम इसके साथ डायरेक्शन अगर हम इसकी लिखेंगे तो वो हो जाएगी हमारी पी कैप, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक हो गया आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लिख रहे हैं तो आर लिख रहे हैं, वैसे आप ये लिख दें तो ज्यादा ठीक है कि आपका क्लियर हो रहा है कि पी से आपने एक्स पॉइंट दिया हुआ है इसकी तरफ को लग रहा है, तो ये हमारा बच्चों एक्सियल कंडीशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास दूसरी कंडीशन है वो होती है इक्वेटोरियल कंडीशन की बात हम जब करते हैं, इक्वेटोरियल कंडीशन की बात करते हैं, इक्वेटोरियल कंडीशन में क्या होता है कि आप दो चार्जेस को ले लेते हैं, जैसे आपने यहां पे एक्सेल कंडीशन के अंदर एक्सिस के अंदर लिए थे, वहां पे आप इक्वेटोरियल कंडीशन में एक आप देखो पहले इक्वेटोरियल नाम क्यों रखा है इसका, ये माइनस क्यू हो गया ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू आपका और ये हो गया आपका प्लस क्यू, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है इक्वेटोरियल बोल दिया इसको, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है तो ये डिस्टेंस आपकी टोटल 2a हो गई है, ये डिस्टेंस आपकी बच्चों ये a हो जाएगी फिर, और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी कितनी रहेगी a, तो टोटल डिस्टेंस 2a, एक ये a और ये a हो गई, हमने क्या बोला है जिस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं प्लस क्यू से लूंगा तो प्लस क्यू बुरा मान, फिर माइनस क्यू ने गुस्सा हो जाना है, माइनस क्यू से डिस्टेंस लूंगा तो प्लस क्यू गुस्सा हो जाएगा, तो मैं ना प्लस क्यू से ना माइनस क्यू से, तो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, देन वी टेक अ पॉइंट पी वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड दिस पॉइंट पी इज अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, अब भाई बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं फिर से, ये ए हो गया मान लो इसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है, अभी इक्वेटोरियल क्यों बोल रहे हैं समझाता हूं अभी थोड़ा सा रुकना एक मिनट के लिए, बच्चों ये आर है ये ए है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो
तो यहां देखो ए से इस पी की डिस्टेंस और बी से इस पी की डिस्टेंस दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, तो यहां पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये डिस्टेंस भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब यहां ध्यान दीजिए जो माइनस क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट में निकालना है, तो माइनस की वजह से कहां होगा इनवर्ड, तो ये ई ए हो गया। और जो प्लस है मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस होगी, पी पे निकाल रहे हैं आपने पी पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है सपोज, उस पर आप निकालना चाह रहे हैं तो आपके इनवर्ड लग जाएगा, ये माइनस है क्योंकि अब पॉजिटिव वाले से आउटवर्ड होगा। अब आउटवर्ड ऐसा जगह कि कहीं को भी लोगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, द पॉइंट फ्रॉम विच वी वॉन्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट द पॉइंट एट विच वी रिक्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग लगेगा। तो कहने का मतलब है ये आपका हो गया ई बी। आप कितनी परेशानी है भाई, ई बी इधर को लग रहा है आपका, ई ए इधर को लग रहा है, तो ऐसे देखने में साफ साफ लग रहा है अगर एक ही डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देता, अपोजिट होते सबस्ट्रेट, अब ये थोड़े अजीब से लग रखे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए डायग्राम में यहां से हम लोग इसके कॉम्पोनेंट की बात करेंगे। ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये भी एंगल आपका थीटा हो गया, तो ये जेड जो बनता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं देखिए यहाँ पे इस ईए के दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला होगा आपका ईए कॉस थीटा और ये वाला होगा आपका ईए साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से इस ईबी की बात आप करते हैं, यहां ध्यान दीजिए ये जेड में आपका एंगल थीटा था बच्चों, ये वाली लाइन अगर जारी है सीधे ऊपर को बना लेते हैं हम लोग, अगर हमारी ये वाली लाइन जारी है तो इस लाइन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर की तरफ को जारी है, ये एंगल हमारा यहां पे ध्यान दीजिए ये वाला एंगल भी तो हमारा थीटा हो जाएगा, और आपका ये ईबी है इसके साथ ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ईबी कॉस थीटा और ये आपका EB sin थीटा। अगर किसी बच्चे को कंपोनेंट में प्रॉब्लम है तो यहां ध्यान दो, अगर ये आपका F फोर्स होता था थीटा एंगल पे तो ये आपका F cos थीटा लेते थे हम लोग और ये F sin थीटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है और दूसरा वाला जो होता है वो sin थीटा होता है। एक्चुअल में निकलता कैसे है, यहां से आप लाइन डालोगे थीटा के सामने का परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस हो गया तो बेस हो गया, तो बेस अपॉन F अगर मैं करूंगा तो बेस अपॉन F इज इक्वल टू cos थीटा। F यहाँ पे F क्या है मेरा base upon hypotenuse है, तो base is equal to hypotenuse into cos theta और hypotenuse वाली साइड में F है तो F cos theta हो जाता है। उसी तरीके से आपका ये वाला जो है ये 90 minus theta angle लेके solve करोगे तो ये आपका F sin theta आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट हो गए। अब हो क्या रहा है देखो बच्चों, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि EA sin theta और EB sin theta एक दूसरे के अपोजिट है और EB cos theta और EA cos theta एक ही डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट हमारा निकलेगा वो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इन दोनों का सम निकलेगा, किस किस का सम निकलेगा ईए कॉस थीटा और ईबी कॉस थीटा का। तो हम पहले क्या करते हैं देखिए ईए और ईबी को फाइंड आउट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉस थीटा की। तो अभी हमारे पास देखो ईए कितना होगा 1/4πε0 q/r² होता है, ठीक है। तो अब ईए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, किसकी वजह से, उस चार्ज की वजह से जो ए पे रखा हुआ है, तो डिस्टेंस इनके बीच की तो होगी ना बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एपी स्क्वायर q/ap² हो गया। फिर आपके पास एपी की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो आप एपी की डिस्टेंस अगर आपने निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल, इसको मैं ओ पॉइंट बोल देता हूं, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ पी में अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो आपका एपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस ए ओ कितनी दी हुई है आपकी, स्मॉल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया और ये आपकी जो डिस्टेंस है एपी स्क्वायर निकल के आ गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1/4πε0 q/r² प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से निकालते हैं ईबी को निकालते हैं, देखिए ईबी के लिए भी ये जो डिस्टेंस आएगी सेम है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ईबी की वैल्यू आएगी 1/4πε0 q/r² प्लस ए स्क्वायर। तो आप देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको ईए इज इक्वल टू ईबी दिख रहा है, तो यहां से क्लियर हो गया एज ईए इज इक्वल टू ईबी, तो
आपको साफ साफ दिख रहा है ईए ईबी के इक्वल है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। Therefore, तो क्या हो जाएगा आपका जो ई ए साइन थीटा है दैट विल बी इक्वल टू ई बी साइन थीटा। सो और आपका ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक ऊपर को लग रहा है एक नीचे को लग रहा है, मतलब मैं 10 न्यूटन से किसी चीज को खींच रहा हूं आप 10 न्यूटन से खींच रहे हो, तो रिजल्टेंट कितना होगा जीरो। तो ई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू these two components will be zero. इन दो components की वजह से electric field zero होगा और जो resultant आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों की direction same है। तो हम क्या करते हैं, देखो resultant electric field at point P, एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो बच्चों ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा एज ई ए इज इक्वल टू ई बी। तो आप क्या कर सकते हैं इसको इक्वल टू आप लिख सकते हैं टू ई ए कॉस थीटा। ई ए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं पहले ही, अब मैं कॉस थीटा निकाल देता हूं ट्रायंगल से। तो ये थीटा एंगल है, तो यहां पे कॉस थीटा क्या होता है अभी बताया था मैंने, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या आपका थीटा के सामने का परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस, और ये जो बचा वो बेस हो गया। तो बेस कौन है आपका ए, और आपका हाइपोटेनियस कौन है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा आ गया, तो आपका ई कितना था टू ई ए कॉस थीटा था, और यहाँ पे टू इंटू ई ए की वैल्यू है 1/4πε0 q/ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था बच्चों, और ये आपका ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका रूट है। बस मुझे इस टर्म को सॉल्व कर देना है और ये आंसर आ गया, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर अभी समझाया था मैंने, कैंसिल करने की तो सोचनी भी नहीं है क्योंकि क्यू इंटू टू ए डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा। तो मैं इसको ऊपर क्यू इंटू टू देखिए ऐसे लिख देता हूं 1/4πε0 q into 2a लिख दिया मैंने साथ में अपॉन, यहाँ पे देखिए आपका r square plus a square है और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका r square plus a square पावर 1/2, और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है सिंस, और q into 2a अभी पढ़ाया था q into 2a डाइपोल मोमेंट होता है p, तो ये हो गया 1/4πε0 p अपॉन r square plus a square पावर, ये बेटा यहाँ 1 होगी और ये 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, तो पावर हो गई आपकी 3/2। तो यहां तक आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब थोड़ा सा फिर से मैंने भी पढ़ाया था आपको जब एक्सेल कंडीशन की थी, तो एक्सेल कंडीशन में क्या देखा था हम लोगों ने, एज क्या देखा था, जो आर है वो ग्रेटर होता है ए से, सो आर स्क्वायर और भी ग्रेटर होगा किससे, ए स्क्वायर से, कोई छोटी वैल्यू का और स्क्वायर, जैसे 1/10 एक छोटी वैल्यू है, 1/10 का स्क्वायर करोगे 1/100 आएगा, तो स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और छोटी होते जाती है। तो सो नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर एज कंपेयर्ड टू आर स्क्वायर, तो मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या है, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2 है, पावर 3/2, तो इसकी जगह आर स्क्वायर और यहाँ पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये आर क्यूब आ गया, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह आर क्यूब लिख दूंगा, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। तो बेटा ये इक्विटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने दो चार्जेस लिए एक माइनस और एक प्लस, माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और जब रिजल्टेंट निकाला तो वो आपका ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा ने कैंसिल आउट कर दिया, तो रिजल्टेंट ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा ने दिया। फिर हमने पूरे डेरिवेशन को सॉल्व किया, ये आ गया। तो डिफरेंस है एक्सेल और इक्विटोरियल के अंदर, एक्सेल में आपने देखा था 2π/r³ था, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं π/r³ है, तो आप इसमें भी रिलेशन भी देख सकते हैं कि दोनों में अगर आपसे पूछ दे तो क्या रिलेशन होगा, तो आप ये कर सकते हैं ई एक्सेल एंड ई इक्विटोरियल में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपने पढ़ा था अभी ई एक्सेल
एक्सएल में कितना था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यूब, पर ई इक्विटोरियल वो आपके सामने रखा हुआ है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, तो क्या आ जाएगा ई एक्सएल अपॉन ई इक्विटोरियल, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यूब और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब होगा, ये कैंसिल आउट हो गए, आर क्यूब से आर क्यूब, पी से पी कैंसिल हो गए, तो 2 आ गए यहाँ पे, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, देखिए ई एक्सएल, ई एक्सएल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्विटोरियल। तो आपने क्या देखा कि एक्सएल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ट्वाइस होता है आपका इक्विटोरियल कंडीशन की वैल्यू में, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट था, फिर डाइपोल मोमेंट देखा, वन चार्ज इनटू उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट देखा, फिर हमने कहा डाइपोल फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड, तो उसमें हमने दो कंडीशंस देखी थी, एक्सएल कंडीशन देखी और दूसरी देखी इक्विटोरियल कंडीशन, और दोनों के हम लोगों ने टॉपिक डेरिवेशन सॉल्व कर लिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।